पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष का भारत बंद। मानसरोवर यात्रा से लौटे राहुल गांधी, राजघाट में विरोध मार्च से जुड़े। राहुल गांधी ने बापू की समाधि पर मानसरोवर से लाया जल अर्पित किया। राजघाट पर जुटे 20 विपक्षी दलों के नेता, विरोध मार्च के साथ राजघाट से रामलीला मैदान पहुंचे सभी। रामलीला मैदान में सोनिया गांधी भी भारत बंद वाले विरोध प्रदर्शन से जुड़ी। मंच पर दिखा विपक्षी दिग्गजों का जमावड़ा। ममता बनर्जी भारत बंद के समर्थन में नहीं, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी के नेता राजघाट से निकले विरोध मार्च में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी भी विरोध मार्च से जुड़ी। पटना में भारत बंद के दौरान हुई हिंसा, जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने मचाया उत्पात। रेलवे बस में की तोड़फोड़, ट्रेन भी रोकी। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिखी गुंडागर्दी, पुलिस जीप पर किया कब्जा, जमकर किया हंगामा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारत बंद के दौरान बिहार के दरभंगा में हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने रोक दी फास्ट पैसेंजर ट्रेन। जहानाबाद में ट्रैक पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता, पटरी पर आगजनी। आरा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड और हाईवे को किया जाम, दुकानें बंद। मनेर में दिखा भारत बंद का असर, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर किया विरोध। भुवनेश्वर में भी महंगे पेट्रोल पर बवाल शुरू, रोकी गई ट्रेन। कर्नाटक की हुबली में सड़क पर प्रदर्शन, टायरों को जलाकर किया गया रास्ता बंद। गुजरात के भरूच में बंद समर्थकों ने रोकी राह, लगा लंबा जाम। अहमदाबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जबरन बंद कराया स्कूल। वडोदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल जाकर कराया बंद, बच्चों को भेजा गया वापस। कोलकाता में लेफ्ट समर्थन सड़क पर, महंगे पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन। रायपुर में बंद को लेकर हालात फिलहाल सामान्य, प्राइवेट स्कूलों ने कर दी छुट्टी। बेंगलुरु में कन्नड़ संगठन बंद के समर्थन में जारी है विरोध प्रदर्शन। पुणे में एमएलएस कार्यकर्ताओं का बवाल, बसों में की तोड़फोड़। बिहार के मोतिहारी में बंद समर्थकों का हंगामा, हाईवे जाम। नवादा में नहीं खुले हैं पेट्रोल पंप, भारत बंद को देखते हुए फैसला। बिहार के बाढ़ में जन अधिकार पार्टी ने बंद कराई ट्रेन, घूम घूम कर बंद कराए जा रहे हैं बाजार। सीतामढ़ी में कांग्रेस और आरजेडी समर्थकों का चक्का जाम, जगह जगह आगजनी। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने बजरंग बली की पूजा कर लिया आशीर्वाद। मुंबई में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मुंबई लोकल रोकने की कोशिश। बेल्लारी में कांग्रेस विधायक का अनूठा विरोध प्रदर्शन, बंद के दौरान की घुड़सवारी। सहरसा में बंद समर्थकों ने कोसी एक्सप्रेस रोकी, पूर्णिया से हटिया जा रही थी ट्रेन। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल, बोले सरकार बदलने का वक्त आने वाला है, मतभेद भुलाकर सभी विपक्षी दल साथ दें। केंद्र सरकार का आरोप, कांग्रेस के जरिए सौंपी गई अर्थव्यवस्था की विरासत के चलते आज भारत बंद की आई नौबत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस करप्शन का वो क्रूज है, इसमें जो बैठेगा वो डूबेगा। ओडिशा के संभलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। बोकारो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराई दुकानें, सड़कों पर टायर जलाकर जाम लगाया। तेल पर सियासत की गर्मी बढ़ने के साथ कीमतों में नया उछाल, पेट्रोल 23 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगातार 80 रुपए से पार, आज के उछाल के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे। मुंबई में अब 90 के करीब पहुंच रहा है पेट्रोल, आज की कीमत 88 रुपए 12 पैसे। डीजल की कीमत में 22 पैसे का उछाल, दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 83 पैसे। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 77 रुपए 32 पैसे, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ रही है महंगाई। गुवाहाटी में कांग्रेस ने निकाली थी मशाल रैली, बंद को लेकर लोगों से अपील। वडोदरा में तेल की बढ़ी कीमतों पर बवाल, बाइक और टायर में आग लगाई।
आज के भारत बंद को चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का समर्थन नहीं कहा, त्योहारों के सीजन में कारोबारियों को बड़ा नुकसान। तेल की सियासत के बीच राजस्थान सरकार का नया खेल, पेट्रोल और डीजल पर वैट 4% कम करने का ऐलान। अशोक गहलोत ने कहा, दबाव में आकर राजस्थान सरकार का ऐलान, वैट में 4% की कमी महज दिखावा। एससी एक्ट में हुए बदलाव को लेकर बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, हरिओम पांडे ने कहा, क्या एक जाति चलाएगी देश। कानपुर में सवर्ण स्वाभिमान समिति के लोगों ने एससी एक्ट को लेकर किया बीजेपी सांसद का घेराव, अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले ने प्रदर्शनकारियों का मिठाई खिलाकर किया स्वागत, मांगों को बताया जायज। मध्यप्रदेश के मंडला पहुंचे शिवराज चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा, देर रात जनसभा को किया संबोधित। इलाहाबाद में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने थाने में लगाया जनता दरबार, शिकायत सुनकर निपटारे के दिए निर्देश। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, अजय भारत अटल भाजपा। एक एक पोलिंग बूथ को मजबूत करने की मोदी ने दी नसीहत, बोले बूथ हमारी चौकी है। बीजेपी कार्यकारिणी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा तेल और राफेल पर क्यों चुप हैं मोदी और शाह। शिकागो में दूसरे विश्व हिंदू कांग्रेस समिट में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भाषण, कुछ लोग हिंदू शब्द को बना रहे हैं अछूत और असहिष्णु। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, मातृभाषा मातृभूमि और संस्कृति की करे रक्षा, गुरु का स्थान नहीं ले सकता गूगल। इलाहाबाद में लेटे हुए हनुमान के मंदिर में पहुंचा संगम का पानी, शंख आरती से किया गया स्वागत। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते संगम के पानी को देखने पहुंचे लोग, शहर के लिए शुभ संकेत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश, धुंध से भरी श्री नैना देवी जी और श्री ज्वालामुखी की पहाड़ियां। मौसम विभाग ने और बारिश का जताया अनुमान, बारिश के बीच श्रद्धालुओं का आना जारी। यूपी के शाहजहांपुर में नदी की कटान की चपेट में आए दो बच्चे, मिट्टी धंसने में डूब गए सैलाब में। मुंबई में एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, कैब ड्राइवर ने ली थी हत्या की सुपारी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे वीपी सिद्धार्थ सांघवी के दफ्तर के ही एक सहयोगी का हाथ, दफ्तर की पार्किंग में किया था मर्डर। दिल्ली के मोतीबाग में सीवर सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा, 5 मजदूरों की मौत। मजदूरों की मौत पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा, 50 लाख मुआवजे की मांग। यूपी के एटा में 40 किलोमीटर दूर से आई गर्भवती महिला को अस्पताल में नहीं दिया दाखिला, जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद पानी की टंकी के पास बेहोश मिली महिला। पंजाब के मनसा में पत्नी और बच्चे को गोली मारने के बाद युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, मां के कैंसर से था परेशान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में चलते ट्रक में आग, चावल से लदा ट्रक पूरी तरह से स्वाहा। मध्यप्रदेश के भिंड में थाने में बंद आरोपी ने संतरी समेत 2 पुलिसकर्मियों पर किया हमला, एक की हालत गंभीर। आरोपी ने खुरपी से पुलिसकर्मी को किया घायल, ग्वालियर के अस्पताल में किया गया रेफर। बिहार के किशनगंज में 9 अपराधी गिरफ्तार, आधा दर्जन बाइक और कई मोबाइल बरामद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।